वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एप्पल के फैन बॉय हैं या फिर इस वीडियो में एप्पल की तारीफ सुनने आए तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। देखो यार, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप लोग उसकी अच्छाई तो जानकर आए हुए होते ही हो, तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, आपने उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर रखा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को उस प्रोडक्ट की बुराई बताने के लिए आया हूँ, तो आज मैं आप लोगों को मैकबुक की बुराइयाँ करके बताऊँगा। अच्छाइयाँ हम सबको पता है, एप्पल है, बढ़िया है, क्वालिटी है, ये सब हमें पता है। आज मैं बुराई करने आया हूं, तो अगर आप लोगों को ठेस पहुंच सकती है इस वीडियो से तो आप देख लेना यार, क्योंकि यार मैं इस वीडियो के अंदर एकदम स्ट्रेट फैक्ट्स रखने वाला हूं, एकदम सच्चाई बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो कि अपने हार्ड अर्न मनी को डालना चाहते हैं मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर M1 लेने में। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है ना लेने का रीजन है वो है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर यार आप बजट ही 40,000 से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप सोच के आपका किसी ने दिमाग भर दिया कि यार मैकबुक ले लोगे तो सफल बन जाओगे, मैकबुक ले लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका बजट ही नहीं है उतना, तो आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग मैकबुक लो। 40,000 के लैपटॉप से भी आपका काम हो जाएगा, मैकबुक लेने की आपको जरूरत नहीं है, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। इसके बाद मान लो आपने मैकबुक ले भी लिया, चलो आपने डाल लिए पैसे, आपने कर लिया अरेंज, आपने कहा चलो यार मैं लंबे टाइम में इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, चलो यार ये ले लेते हैं एक बार और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये जो भी बोलता है ना एकदम गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं एक ऐसा यूज़र हूँ ना मैक का जो कि अच्छाई और बुराई दोनों जानता है और बहुत गहराई से इस्तेमाल कर रहा हूँ सालों से, इसलिए आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो यार, एक बार आपने ख़रीद भी लिया ना मैकबुक, इसके बाद इसके सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटी से छोटी चीज़ करने वाला सॉफ्टवेयर आप लोगों को इतना महंगा पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे में एक ऐसा इंसान जिसने 70,000-90,000 रुपये अपने मैकबुक में डाले हैं, वो यार कैसे उसके बाद सॉफ्टवेयर को खरीदेगा, वो ऑलरेडी पूरा ड्रेन अप हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो एसेसरी है वो इतनी महंगी है कि इसकी कोई हद नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही लेकर आया हूँ एक कनेक्टर जो कि मैंने लिया HDMI से कनेक्ट करने के लिए अपने मॉनिटर को, अपना 4K जो मॉनिटर है मेरा उसको मैकबुक से कनेक्ट करने के लिए मैंने ये कनेक्टर लिया और मुझे ये वूपिंग 9,000 रुपये का पड़ा। अब यार 9,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, सिर्फ वो HDMI केबल भी नहीं है, वो एक कनेक्टर है, वो सिर्फ आपको इस बात के देने पड़ रहे हैं कि आप अपनी मैकबुक को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मॉनिटर से। वो कॉस्ट एब्सोल्युटली जीरो है मेरे विंडोज़ के लैपटॉप में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो बिल्कुल, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल फालतू कमेंट मत करना कि यार एप्पल बढ़िया है, आपको पता नहीं है, आप नूब हो, ये है वो है। मैं बता रहा हूँ, मैं बुराई करने आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको ना लेने के रीज़न बता रहा हूँ, आपको लेने के रीज़न पता है ना, मैं ना लेने के रीज़न इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यार जब एक्सेसरी का प्राइस ही इतना हाई है तो आप क्या करोगे। अब ज़रा सोचो यार, आप लोगों को एक USB माउस कनेक्ट करना है, उसके आप लोगों को 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब एक USB माउस कनेक्ट करने के 10,000 रुपये। USB पोर्ट ही नहीं है मैकबुक में। हाँ मुझे पता है जो नई वाली मैकबुक्स हैं उसमें आ गए हैं, लेकिन और भी नई मैकबुक्स आने वाले टाइम में आएंगी, पोर्ट रिमूव आते रहेंगे, लेकिन ज़रा सोचो यार, जो काम सिर्फ 150 रुपये में हो जाता है विंडोज़ के लैपटॉप में, मैं 150 रुपये क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। आपको एक हब मिल जाता है जिसमें आप 4-5 USB कनेक्ट कर सकते हो। मेरा माउस और मेरा कीबोर्ड बहुत प्यार से कनेक्ट होता है, एक USB पोर्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ मैं 4 में, ये छोटी मोटी चीज़ें उससे कनेक्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को लेकर इतने महंगे कनेक्टर के पैसे देने पड़ते हैं। HDMI के लिए आप अलग से लो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर माउस के लिए लो। अब चलो मान लो आपने नई वाली मैकबुक भी ले ली जिसमें USB पोर्ट है, SD कार्ड पोर्ट है, उसके बाद भी उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, ये सोच समझ के आप लोग लेना। फिर मैं एक बात और आप लोगों को बताता हूँ, सारी कंपनीज, आप फेसबुक की बात करो, गूगल की बात करो, आजकल जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी मैकबुक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक रीज़न सुन लो वो क्यों कर रहे हैं। वो यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, 100 मैकबुक खरीद के लाते हैं एप्पल से, उनके पास फंडिंग होती है, ठीक है, 100 मैकबुक ले आए एप्पल से, खरीद के एप्पल से कहते हैं एप्पल मुझे 100 मैकबुक दे दो तुम, और अगर कोई भी खराब होती है ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी 3 साल की वारंटी पे दो ये सारी मैकबुक, कुछ भी खराब होता है तुम हमें रिपेयर करके दोगे। एप्पल सोचता है कि यार 100 मैकबुक देने में तो मैं इतने पैसे कमा जाऊंगा, एक आध इनकी खराब भी होगी तो रिपेयर करके दे दूंगा। वो चीज़ जब आप अपने पैसे डालते हो ना मैकबुक में तब आपको नहीं मिलने वाली, याद रखना इस बात को आप लोग। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी मैकबुक में आपको महंगे ही मिलेंगे विंडोज़ के कंपैरिजन में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि iOS के सॉफ्टवेयर को सस्ता कर दो या फ्री कर दो, मैं बस आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ। जो चीज़ आप विंडोज़ में खरीदोगे अपने विंडोज़ लैपटॉप के लिए, iOS लैपटॉप में अगर आप लोग जाओगे तो महंगी ही पड़ेगी, आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट फैक्ट्स में। इसके बाद एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर मेरे सामने ये जो लैपटॉप रखा हुआ है इसके अंदर मैं रैम को बढ़ा के, मैंने एक्चुअल में 64 GB करी है रैम, इसमें 8-8 GB की दो स्टिक आई थी,
16 GB थी, मैंने वो 8-8 GB की स्टिक्स निकालने के बाद मैंने 32 GB की स्टिक्स इसमें लगा दी, मेरी जो टोटल रैम है वो 64 GB हो गई। क्या मैं कर पाता अगर मैंने मैकबुक ली होती? नहीं कर पाता मैं, क्योंकि आप लोगों के जो एक कंपोनेंट्स होते हैं मैकबुक में वो सोल्जर्ड होते हैं। और अगर आप लोग कभी एप्पल की वेबसाइट पे जाना खुद से और देखना कि आप सिर्फ 256 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज वाला मैकबुक लेने वाले हो, उसमें ऑप्शन होता है कि 10,000 रुपये ऐड कर लो, इतना ले लो। अरे यार 10,000 रुपये 256 GB के, इट्स टू एक्सपेंसिव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एप्पल गलत कर रहा है इतना महंगा देके, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखो महंगा है, विंडोज पे जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। फिर इसके बाद जो मैं अभी अपने पिछले वाले पॉइंट में बात बता रहा था कि जिस तरह से कंपनी वारंटी लेके आ जाती है, और 100 मैकबुक्स ले ली किसी कंपनी ने तो उनमें से एक दो खराब होंगी तो कंपनी को रिपेयर तो मिल जाएगा फ्री में, आपका क्या होगा? आपकी वारंटी खत्म हो गई। मेरी मैकबुक की डिस्प्ले टूट गई थी पता है, और उसके बाद मेरी मैकबुक वारंटी में भी नहीं थी, और उसके बाद जो मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहता कि दूसरा कोई झेले। कुल मिलाकर आपका कीबोर्ड भी खराब हो सकता है। देखो यार लैपटॉप है, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होता है, होता है। मेरी डिस्प्ले खराब हुई है और मुझसे ज़्यादा प्यार से कोई लैपटॉप को नहीं रखता है, मैंने बिल्कुल गिराया नहीं, कुछ नहीं किया, अपने आप ही सबसे पहले राइट साइड से जाना शुरू हो गई डिस्प्ले, और उसके बाद एक दिन जो है आधी डिस्प्ले मेरी पूरी चली गई मैकबुक की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खराब होती हैं चीज़ें, और मैकबुक के अंदर अगर कोई चीज़ खराब हो गई ना आपकी, आप जाओगे ना रिपेयरर के पास, वो आपसे कहेगा कि यार सर इसका पूरा पार्ट डलेगा। यार मैं कहूँगा यार मेरा ये चीज़ खराब हुई है, ये पूरा क्यों? मैं वो कहेंगे यार नहीं, ये सारे कंपोनेंट सोल्जर्ड है, आपको ये पार्ट खरीदना पड़ेगा, इस पार्ट के इतने पैसे, बहुत लंबा चौड़ा बिल आप लोगों को बनाकर दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद गेमिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं एक गेमर भी हूँ, गेमिंग करता हूँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, तो वो रिलैक्स आप शायद मैकबुक पे नहीं कर पाएंगे। उसके दो रीजंस हैं, एक तो कीबोर्ड इतना अच्छा नहीं है, गेमिंग वाला कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है, दूसरा मान लिया गेमिंग वाला कीबोर्ड होगा ठीक है, उसके बाद भी डर लगता है यार अगर मैंने गेमिंग कर दी अपनी मैकबुक में, खराब हो गया कीबोर्ड तो वो डर जो है ना वो डर बना रहता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी होता है यार कि इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है अगर ये खराब हुआ तो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे एप्पल का इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, एप्पल में मज़ा आता है। देखो यार मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल का मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है सारे फ़ायदे, एप्पल इकोसिस्टम में रहने का मज़ा ही कुछ और है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन आप लोगों को जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वजह ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ें आपको परेशान पोटेंशियली कर सकती हैं मैकबुक लेने के बाद, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एप्पल का मैकबुक बहुत बढ़िया लैपटॉप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है आपको, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप लो, मैं तो कहूँगा बिल्कुल लो यार। लेकिन अगर आपको बोला है आपके पेरेंट्स ने, मे बी 40,000 का बजट आपके सामने रखा है और आप लोग उन पर प्रेशर डालकर एक बहुत महंगी मैकबुक लेने वाले हो, तो आगे भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है। मैं तो कहूँगा यार अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, अपना पहला लैपटॉप ले रहे हो, पैसे थोड़े से कम हैं, मेरे पास भी कम थे, तो आपको क्या करना है, विंडोज़ लैपटॉप लेना। मैंने लिया था HP का एक ठीक ठाक लैपटॉप जिसमें मैं कोडिंग वगैरह कर सकूं, एंड्रॉइड चल सके, गेमिंग भी कर सकूं। मैं मानता हूं सब कुछ होना चाहिए, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे सो जाओ 2 घंटे सो जाओ बाकी टाइम पढ़ते रहो, नहीं यार सोना भी जरूरी है और इंजॉय करना भी जरूरी है, और गेमिंग करना भी अगर आपको पसंद है जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है लाइफ में। आई होप आप लोगों को पता चल गए होंगे वो रीजंस जिनकी वजह से शायद आप लोग मैकबुक ना लें। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से जो कि मुझे कमेंट में बोलेंगे कि यार एप्पल इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, एप्पल का कैमरा बहुत बढ़िया है, एप्पल देता भी तो है वैल्यू, फिर पैसे लेता है तो चीज़ भी तो देता है, ये सारी बातें मुझे पता है, तो प्लीज़ कृपया करके ये सब मुझे कमेंट में मत बताना। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या मैं समराइज़ कर पाया आप लोगों के लिए पॉइंट्स, क्या हेल्पफुल रहा उन लोगों के लिए जो कि शायद कल मैकबुक लेने जाने वाले हैं, और अगर वो इस वीडियो के बाद मैकबुक नहीं भी लेते हैं ना तो उनका फ़ायदा होगा, वो शायद किसी पॉइंट को नहीं रख रहे होंगे कंसिडरेशन में, अब वो रखेंगे उस पॉइंट को कंसिडरेशन में तो उनका फ़ायदा होगा, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मैं यहाँ पर कोई एप्पल की सेल्स करवाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अपने पैसे किसी भी चीज़ में डाले तो वाइजली डाले, लॉन्ग टर्म का सोच के डाले, उसकी सिचुएशन है ऐसी कि वो डाल सकता है कि नहीं ये सोच कर डाले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।